हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास यहाँ पे एक चाइना का टीवी रिपेयर होने के लिए आया है, तो यहाँ पे बूस लिखा हुआ है, तो इसमें सर्किट दोस्तों चाइना है। और आपको मैं यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम कई कई बार हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस तरीके का हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अभी फटाफट से मैं यहाँ पे टीवी को खोल लेता हूँ और खोलने के बाद आपको मैं यहाँ पे सभी वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप इसमें चेक करेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे सर्किट को हमने खोल लिया है और यहाँ पे सर्किट को मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे पलट लिया है। और अभी मैं मीटर का वायर लगा देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे वोल्टेज को हमें चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मीटर रख देता हूँ, तो पहले 110 वोल्ट की सप्लाई में यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट ओके है दोस्तों। तो यहाँ पे 25 वोल्ट वर्टिकल और ड्राइवर के लिए यहाँ पे 25 से 26 वोल्ट निकलता है। और दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट देख लेता हूँ, तो 12 वोल्ट भी ओके है। तो यहाँ पे साउंड के लिए दोस्तों ये वोल्ट यहाँ पे साउंड के लिए भी ओके है। तो अभी यहाँ पे हमारे ESD पे देख लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा ESD ऑन होता है या नहीं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे 180 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज तो यहाँ पे बना रहा है दोस्तों, लेकिन इस IC पे यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है, इसलिए गड़बड़ी हो रहा है। तो 5 वोल्ट यहाँ पे भी ओके है। तो दोस्तों 8 वोल्ट यहाँ पे देखता हूँ, 17 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे देखिए, अभी 8 वोल्ट की जगह पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 8 वोल्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे देखता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमें 8 वोल्ट नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे हमें 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे एक बार 5 वोल्ट चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट ही नहीं मिल रहा है मेमोरी IC को। तो फिलहाल यहाँ पे 5 नंबर पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे IC पे यहाँ से 12 वोल्ट से हमारा 5 वोल्ट बन के आता है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पे हमारा 14 वोल्ट और यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जम्पर यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे टूटा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे देखिए, तो इसे मैं यहाँ पे जम्पर करता हूँ, तो यहाँ पे ही हमारा 5 वोल्ट यहाँ से बनता है दोस्तों। तो इसे मैं यहाँ पे पहले जम्पर करता हूँ, तो अभी आपके सामने ही लगाता हूँ यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया है, देख सकते हो। अभी यहाँ पे जम्पर करके और सभी वोल्टेज पे चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट बन गया है। तो अभी मेमोरी IC पे देख लेता हूँ, तो ये भी सही है। यहाँ पे हमारा जो 17 नंबर पिन पे, ये भी वोल्टेज सही बन गया है। तो एक बार यहाँ पे 180 वोल्ट की सप्लाई देखता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे ये वोल्ट भी सही बन चुका है दोस्तों। प्रॉब्लम हमें यहाँ पे मिला, तो हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम देखने को हमें मिला। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमारा जो ट्रैक है वो कट गया था, तो यहाँ पे जम्पर लगा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी स्क्रीन में, तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा यहाँ पे TV ओके बिल्कुल यहाँ पे चालू हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।